अगर मैं आप सभी को ये बताऊं कि आप सभी को इंग्लिश आती है तो आपको अच्छा लगेगा ना। अब बात ये आती है कि मुझे कैसे पता कि आप सबको इंग्लिश आती है और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पा रही हूँ। मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये चीज ऐसे बोल सकती हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, नाइट का मतलब होता है रात, स्लीप का मतलब होता है सोना, गो का मतलब होता है जाना और ईट का मतलब होता है खाना। पता था ना? ये प्रूफ करता है कि आप सभी को इंग्लिश आती है, बस आपको वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करना नहीं आता है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर डूइंग कंप्लीटली वेल। माय नेम इज लालिमा जठानी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द इंग्लिश टाइम्स। जानने वाले हैं 20 ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम अपनी रोज की जिंदगी में बोलते तो हैं मगर हिंदी में बोलते हैं। क्यों ना इस नए साल में एक अच्छी चीज की शुरुआत की जाए कि जो चीज हम हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाए। वही 20 सेंटेंसेस में आपकी लाइफ हो जो आप रोज हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलिए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर जरूर करिएगा क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जिनको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज गोइंग देयर। इट्स नो यूज गोइंग देयर। मैंने किताब को उल्टा कर दिया। आई टर्न्ड द बुक अपसाइड डाउन। आई टर्न्ड द बुक अपसाइड डाउन। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। और आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। मुझे नहीं पता। I don't know. I don't know. आपसे मिलकर अच्छा लगा। It was nice meeting you. It was nice meeting you. हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। We both like each other. We both like each other. तुम मेरी जिम्मेदारी हो। You are my responsibility. You are my responsibility. मैं कुछ नहीं जानना चाहता। I don't want to know anything. I don't want to know anything. भीड़ से धीरे जाओ। Go slow from the crowd. Go slow from the crowd. क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? Are you fooling me? Are you fooling me? एक मिनट, यहाँ तक रुके ही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मेरी बात सुननी होगी। You will have to listen to me. You will have to listen to me. क्या आपको भूख लग रही है? आर यू फीलिंग हंग्री? आर यू फीलिंग हंग्री? आपको गांव जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो टू द विलेज। यू मे हैव टू गो टू द विलेज। कौन कहता है कि तुम पागल हो? हु सेज दैट यू आर मैड? हु सेज दैट यू आर मैड? क्या आपको देर हो रही है? आर यू गेटिंग लेट? आर यू गेटिंग लेट? लोग देख रहे हैं। पीपल आर वॉचिंग। पीपल आर वॉचिंग। यह मेरा अंतिम निर्णय है। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। आपका फोन हमेशा व्यस्त रहता है। योर फोन इज ऑलवेज बिजी। योर फोन इज ऑलवेज बिजी। वह काबिले तारीफ है। ही इज वर्थ प्रेजिंग। ही इज वर्थ प्रेजिंग। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? What's your goal? What's your goal? So these were the 20 daily use sentences जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। ओके, आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। सी यू सून। बाय बाय।